रिको पुलिस की हवाला के रुपयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नाकाबंदी के दौरान मावल चौकी पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मावल चौकी पर नाकाबंदी कर 3,15,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक कार को भी जब्त किया गया है। थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अहमदाबाद चांदलोडिया निवासी नरेश कुमार और जिला पाटन चाड़समा निवासी अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगामी चुनाव के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में सिरोही के आबू रोड में रिको पुलिस ने ये हवाला के पैसों के खिलाफ कार्रवाई करी है। सहयोगी मगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मगन, मावल चौकी पर नाकाबंदी, 3,15,00,000 की बड़ी राशि और 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि जोधपुर आईजी और पाली के जो आईजी है उन्होंने यहाँ पर आबू रोड के एक चेकपोस्ट में एक आगामी चुनाव के मद्देनजर एक बैठक ली थी। बैठक के बाद में तमाम जिला के जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में जो थाना अधिकारी थे उनको सख्त निर्देश दिए थे। उसी के तहत आज एक रिको पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और नाकेबंदी के दौरान यहाँ मावल चौकी पर जो हवाला की राशि जारी थी गुजरात की और वहाँ पर ऋषभ करीब 3,00,00,000 के अधिक से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये आज एसपी जो ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश पर जो थानाधिकारी सुरेश चौधरी है उनकी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मगन, आप नजर बनाए रखिए। तो मगन प्रजापत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने जानकारी साझा करी। तो 3,15,00,000 रुपए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक गाड़ी को भी इस दौरान जब्त किया गया है।